महिषासुर के आतंक से सभी देव दानव पशु पक्षी सारे त्राहिमाम थे। उन सभी की परेशानियों को माता दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करके जिस दिन विजय प्राप्त हुई वो दिन था दसवीं का, यानी टोटल युद्ध 10 दिन चले और 9 दिन तक जो लड़ाई चलती रही वो अलग अलग शक्ति प्रयोग करते हुए जो जीत हासिल किया है 10वें दिन, इसी को हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। तो हे दोस्तों, डेंजर शोभा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, आपको दशहरा की अग्रिम ढेर सारी बधाइयां। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पहले अवतार के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं शैलपुत्र। हिंदू धर्म में मूलतः 4 संप्रदाय हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ शाक्त संप्रदाय की, क्योंकि इसी संप्रदाय में माँ दुर्गा के शक्ति की पूजा की जाती है, मतलब नारी की पूजा की जाती है और दुनिया की उत्पत्ति का मूल नारी को समझा जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे शैलपुत्री। शैलपुत्री 2 शब्दों के मेल से बना है, एक तो है शैल और दूसरा है पुत्री। शैल का मतलब होता है पहाड़, पुत्री का मतलब होता है बेटी, यानी पहाड़ की पुत्री। दोस्तों इस अवतार में माँ को उनके अपने नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि उनके पिता के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। अगर माँ दुर्गा के इस स्वरूप की बात करें तो इसमें सिर्फ जो स्वरूप है 2 हाथ दिखाए गए हैं, एक हाथ में त्रिशूल होता है और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। त्रिशूल जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, यानी संहार का प्रतीक है, वहीं जो दूसरा कमल है वो शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है और शांति से, प्रेम से, विद्वता से धर्म की स्थापना कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल हम मिलेंगे आपसे दूसरे अवतार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।